नमस्कार, जीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप इस लिंक पर अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अमित सर अनअकैडमी पर सीडीएससी एपीएफ एफकिट की क्लास ले रहे हैं, जिसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर डिफेंस का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बाद आप सर की क्लास को देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस कोड यानी अमित फॉर जीएसपी का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप सर की क्लास को फ्री में देखना चाहते हैं तो फ्री के लिए स्पेशल क्लास दिए जा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उनके कोर्स को इनरोल कर लें ताकि आपको समय समय पर उनकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यह जितने भी क्लास हैं, कोर्स हैं सर के द्वारा लाई गई हैं, वह आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगी। यानी जीएस का जो पेपर होता है हर एग्ज़ाम में, उसमें आपको इनकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। इन स्पेशल क्लासेस को देखना ना भूलें, इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यह जो स्पेशल क्लास है वह किस तरह से अनअकैडमी पर जो प्लस की क्लास होती है वह वर्क करती हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जहां पर डेली अपने करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को हम पोस्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सीरीज में हम प्रत्येक दिन के समाचार में उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, अदर सिविल सर्विस एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक एंड डीएससी, डीएससी, एपीएफ आदि परीक्षाओं में पूछी जाती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए अब बात करते हैं आज की जुड़ी राष्ट्रीय खबर से। राष्ट्रीय खबर में सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में हाल ही में किस बीमारी से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह हमारे ऑप्शंस हैं। यह जो बीमारी है वह कोरोना वायरस है, जो कि एक तरह का वायरस की फैमिली से आता है, कोरोना वायरस, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उद्यान मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इसमें शामिल किया गया है। इस टीम का गठन नोवेल कोरोना वायरस जो है उसे फैलने से रोकने के लिए किया गया है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कौन से राज्य में सबसे शीर्ष पर है? यह हमारे ऑप्शंस है। यह जो योजना है उसे लागू कराने के लिए मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा, लेकिन जिला स्तर पर अगर इस पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर कार्य और प्रदर्शन किया गया है तो वह इंदौर जिला के तरफ से किया गया है। यह योजना 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा देश के हर जिले में लागू की गई थी। इस योजना के तहत उन महिलाओं को इससे लाभ मिलता है जो भी महिलाएँ काम काजी हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें जो अवकाश दी जाती है यानी जो लीव दी जाती है, जिसके कारण उन्हें मासिक भत्ते में नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं और साथ ही साथ आराम और पोषण आहार भी सुनिश्चित किया जाता है। यह जो बोल सकते हैं इस योजना का फायदा एक महिला को उसके पहले बच्चे के दौरान ही हो सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है वह अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से कि ई कुशेम पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह हमारे ऑप्शंस हैं। यह जो मेला है वह बांग्लादेश की राजधानी में आयोजित किया गया है। यह पुस्तक मेला बांग्लादेश का सबसे बड़ा और बहुत दिनों तक चलने वाला पुस्तक मेला है। इस कार्यक्रम के दौरान जो है बांग्लादेश में जो शहीद जो सैनिक है उनकी पुण्यतिथि को मनाते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके दौरान 10 प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों को बांग्ला एकेडमी की तरफ से साहित्य एकेडमी पुरस्कार भी सम्मानित किया। और आपको बता दें कि इसी तरह का जो पुस्तक मेला है हमारे भारत कोलकाता में भी आयोजित किया गया था, जिसकी फोकल थीम रूस देश थी, जो कि 29 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला एक पुस्तक मेला है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग नीतियों में किस देश ने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? यह हमारे ऑप्शंस हैं। इस नीति में जो है श्रीलंका ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है, वह 97 देशों की सूची में सबसे नंबर 1 पे रहा है। यह जो नीति है वह स्तनपान समर्थित नीतियों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। श्रीलंका को 100 में से 91 अंक हासिल हुए हैं। 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार श्रीलंका ने 10 में से 7
जो है कोड प्राप्त किए हैं, जिनमें दो नीले और एक पीला कोड भी है, जिसके कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी हासिल हुआ है, या ऐसा दर्जा हासिल करने वाला श्रीलंका पहला देश बना। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका के रुपया है, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किस बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, या जो घोषणा है वह कोरोना वायरस के कारण की गई है। WHO के अनुसार दूसरे पूरे जो देश है उसमें 7,711 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है, जिनमें से 12,176 संदिग्ध लोगों को भी जांच चालू है, जिन्हें पर शक है कि इन्हें भी यह भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसका मुख्यालय जो है WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड है, महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम है। अब आइए देखते हैं जो यह वायरस है वह कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अर्थात क्राउन वाला वायरस। आप अगर इसकी आकृति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके चारों तरफ एक ऐसी आकृति जो कि एक मुकुट के प्रतीत भांति दिखाई देती है। इसके किनारे किनारे प्रोटोसिनियस की आकृति बनाई हुई है, प्रोटोसिनियस इसके चारों तरफ जो कि मुकुट की तरह दिखती है, जिसके कारण ही इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, या वायरसों के समूह से ही संबंधित एक वायरस है, या एक बहुत ही घातक वायरस है जो कि हर दिन हर घंटे अपना जो रूप है वह बदलते रहता है। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए कोई एकदम पुख्ता दवाई का अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके तहत शरीर के जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं नेचुरल, उसे ख़त्म कर देती है, जिसके कारण हमारे जो शरीर है वह बीमारियों से लड़ नहीं पाता है, जिसके कारण हमारी बीमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और घातक से घातक बीमारियों की चपेट में आ जाता है। यह सर्दी, बुखार, जुकाम से इसकी शुरुआत होती है और यह बढ़ते ही जाती है। तो कोरोना वायरस में इतना ही, आइए हम आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसरो द्वारा हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित की गई है, या 500 किलोग्राम वजन वाली उपग्रह को कक्षा में भेजने में सक्षम होगा। यह यान जो है जिसकी लागत 30 से 35 करोड़ होगी, या सूक्ष्म, लघु और मध्यम खंडों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसरो द्वारा यह केवल 3 हफ्तों में इसका निर्माण कर लिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जो निदेशक है वह KS सिवन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें इतना ही, आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह सुरक्षा से संबंधित खबरों से है। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान है, उसे जेव जेट ईंधन के द्वारा 10% मिश्रण से हवाई अड्डे से उड़ाया गया है। यह उड़ान लद्दाख के हवाई अड्डे से भरी गई है। यह पहली बार देखा गया है कि जेव जेट ईंधन का इस्तेमाल करते हुए किसी विमान को उड़ाया गया है। जेव जेट ईंधन यानी फ्यूल जो पेट्रोल होता है उस तरीके से, या बिच्छों के द्वारा प्राप्त तेल है जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में पाया जाता है और वहीं पे ही इसे उगाया जाता है, जिसके कारण यह जेव जेट ईंधन बनाया गया है। इस ईंधन का मुख्यतः लाभ यह होगा कि इसे कम कीमत में बनाया जा सकेगा, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन होगा, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग और जो पर्यावरण है उसे कम हानि होगी। भारत के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। इसमें इतना ही, आइए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह खेलकूद संबंधित खबरों से है। 2020 के राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया, वह किस राज्य में किया गया? यह हमारे ऑप्शन है, यह जो आयोजन है वह गोवा में किया गया है, गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। वहीं पर शुभांकर का भी जो है अनावरण किया गया। शुभांकर यानी कोई लकी साइन, जिसका आयोजन किया गया, यह 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इसका यह 36वां संस्करण है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, यहाँ की राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू। अब आइए हम शुभांकर को देखते हैं। शुभांकर एक बुलबुल को लिया गया है, यह रहा बुलबुल जो कि जो राष्ट्रीय खेल है उसका शुभांकर के तौर पर किया गया, और ये रहे किरण रिजिजू जो हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्री हैं। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के लिए किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते? यह हमारे ऑप्शंस हैं,
यह पुरस्कार सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने इतने पुरस्कार जीते हैं कि वह पुरुषों की श्रेणी में जो स्पेन के रफाल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर है उनके काफी आसपास पहुंच गए हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच 8 खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रैंड स्लैम पुरस्कार में जो यह जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम के लिए होता है, यह 4 होते हैं हर साल, जिसका पहला का भी आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा जो है फ्रेंच ओपन, तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन होता है। इन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार में इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। और ये रहे जो है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। आइए अब बात करते हैं निधन से संबंधित खबरों की। हाल ही में विद्या बाल जी का निधन हो गया। वह कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? यार हमारे ऑप्शंस हैं, आपको बता दें कि यह सभी क्षेत्रों से संबंधित थी। सामाजिक कार्यकर्ता भी, नारीवादी लेखक, पत्रकार भी थी, और यह रही विद्या बाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें सरकुआर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्री स्टडी मटेरियल्स को डालते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली अपनी वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं, और ये अदर सोर्सेज जिसके थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।